सिकंदर हमारे साथ है। सिकंदर, आपसे जानने चाहेंगे कि गुजरात चुनाव में अब प्रदेश के नेताओं को ऑब्जर्वर के तौर पर सामने लाया जा रहा है, इससे जुड़ी और क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश और असम में विधानसभा चुनाव हुए तो उसमें कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का नेतृत्व था ही, और ऐसे में जिस तरह से फैसला लिया गया है कि गुजरात के विधानसभा चुनाव में यहाँ लोकसभावार चार ऑब्जर्वर, चार कैबिनेट मंत्री जो है छत्तीसगढ़ के, वो ऑब्जर्वर के रूप में गुजरात चुनाव में लोकसभावार में यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे, ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ पहुंचेंगे। बात करूं अमरजीत भगत की, उमेश पटेल की बात करूं, या फिर डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम की बात करूं तो, या फिर शिव डहरिया की बात, तो ये सारे चारों मंत्री जो है छत्तीसगढ़ के कैबिनेट के मंत्री हैं और ये गुजरात में ऑब्जर्वर के रूप में आने वाले विधानसभा चुनाव में, जिस तरह से गुजरात में महज कुछ ही समय में चुनाव होने वाले हैं तो उसको लेकर के यहाँ से पहले से ऑब्जर्वर तैयार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ से चार कैबिनेट मंत्री जो है वो गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कुछ करेंगे, ऑब्जर्वर के रूप में कुछ करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो चारों जो मंत्री है इनको, सूरत की बात करूं, सूरत लोकसभा की बात करूं, या फिर अहमदाबाद की बात करूं, या फिर खेड़ा की बात करो, तो इन सभी जगहों पर चारों कैबिनेट मंत्रियों को भेजा जाएगा। वहां पर समय से पहले जो ये चारों मंत्री पहुंचेंगे ऑब्जर्वर के रूप में, तो कहीं ना कहीं गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, क्योंकि पिछले बार पिछले विधानसभा चुनाव की बात करूं तो महज आंकड़े बहुत कम थे, कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस करी थी, तो उसको लेकर के इस बार बेहतर परफॉर्मेंस के लिए छत्तीसगढ़ से भी गुजरात के विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ से चार नेताओं का चयन किया गया है, और चारों नेता जो है लोकसभावार जो है गुजरात में यहाँ पर ऑब्जर्वर के रूप में काम करते हुए नजर आएंगे। जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।